match for the red team! ओके तो और मेरा भाई लोग कैसा तुम फिर से बोला चुको आप लोगों के लिए बीजेमआई की और भी एक कमाल को लेकर। और भाई साहब आज की वीडियो होने वाला है बुलेट स्प्रेड के ऊपर। दो दिन पहले मैं वीडियो की कमेंट्स चेक कर रहा था और वहां पे मुझे काफी सारे कमेंट्स ऐसे दिखे बुलेट स्प्रेड के ऊपर कि भाई हमारा बुलेट कनेक्ट नहीं होता क्लोज रेंज में, उसके बाद भाई बुलेट स्प्रेड होता है तो ये चीज क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में भाई साहब आप लोगों को इस चीज का सोल्यूशन मिलने वाला है क्यों बुलेट स्प्रेड होता है एंड भाई कैसे ये चीज होता है, ठीक है, या फिर भाई आपका डिवाइस का प्रॉब्लम है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है भाई ये वाला वीडियो। तो सारे भाई मिलकर फटाफट से वीडियो में लाइक कर दो प्लीज, 1 लाइक कंप्लीट करवा देना, ठीक है। अब चलो भाई इस कमाल की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके तो भाई अब हमारा सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज बुलेट स्प्रेड, ठीक है, बुलेट स्प्रेड क्या होता है। तो काफी सारे लोग भाई इस चीज को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक है, तो मैं लोग आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आपके साथ तो भाई कभी ना कभी ऐसा सीन हुआ ही होगा कि आप भाई बंदे के सामने खड़ा होकर भाई जिगल मार रहे हो, ठीक है, एकदम फटाफट जिगल मार रहे हो, उसके बाद भाई क्रॉसियर को हेड पे रख के फायर कर रहे हो लेकिन भाई आपका बुलेट कनेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं लोग आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा क्रॉसियर का डॉट कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फायर किया, देखो भाई बुलेट जाके कहाँ पे कनेक्ट हुआ, थोड़ा सा साइड में जाके कनेक्ट हुआ। यहाँ पे मैं भाई फिर से एक बार फायर करूंगा, जैसा कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हो बुलेट जाके भाई थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके कनेक्ट हुआ, ठीक है। और हर एक बारी मतलब एक एक बार अलग अलग जगह पे जाके भाई बुलेट कनेक्ट होता है। यहाँ पे सीन क्या होगा, मानो कि आपने 3 बुलेट फायर किया, ठीक है, तो 3 बुलेट जाके ना भाई 3 जगह पे कनेक्ट होगा, ठीक है। कभी भी जाके भाई 3 बुलेट एक जगह पे कनेक्ट नहीं होगा। बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल का जो डेवलपर है उन्होंने भाई ऐसे डिजाइन किया इस गेम को, ठीक है, कि एक एक बार एक एक जगह पे जाके बुलेट कनेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन दूसरे गेम में मतलब ऐसा सीन नहीं होता मेरे को जहां तक पता है। लेकिन पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई का जो ये चीज है ना भाई ये पूरा का पूरा रियलिस्टिक है। अब दूसरा पॉइंट, व्हाई डज द बुलेट स्प्रेड, मतलब भाई बुलेट स्प्रेड क्यों होता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा। अब भाई बुलेट स्प्रेड क्यों होता है, ठीक है, तो पहला रीजन जो है वो चीज तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि गेम का जो डिजाइनर है उन्होंने भाई गेम को ऐसे डिजाइन किया है तो बुलेट स्प्रेड भाई आपका होगा ही होगा एकदम कंफर्म। लेकिन काफी सारे लोगों का बुलेट स्प्रेड भाई बहुत ही ज्यादा होता है तो इसका भाई सबसे पहला रीजन है भाई जिगल। अब जिगल क्यों, आप ये चीज मैं भाई लोग आप लोगों को थोड़ा सा एडिटिंग के थ्रू भाई समझाने की कोशिश करता हूँ। बंदे के साथ जिगल देते देते भाई आप कुछ इस तरीके से फायर करते हो एंड भाई आपका बुलेट कुछ इस तरीके से भाई मिस जाता है, जैसा कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जिगल तो भाई साहब हमें देना ही होगा, ठीक है भाई, जिगल के बिना हम फाइट नहीं ले सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो चीज मैं भाई लोग आप लोगों को थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, वीडियो को अच्छी तरीके से मतलब ध्यान से देखो। उसके बाद भाई साहब रीजन नंबर 2, एफपीएस। जी हाँ भाई, एफपीएस कम होने से भी बुलेट स्प्रेड होता है। अब ये चीज क्यों होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब भाई एफपीएस कम मतलब रिकॉइल ज्यादा, 60 vs 30 का भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉइल देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 2 गोली का फर्क यहाँ पे रह जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 60 vs 30 में भाई ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहा, ठीक है, 1 या 2 बुलेट का भाई फर्क है। लेकिन भाई सब कभी कभार सीन क्या होता है कि 1 या 2 बुलेट की वजह से भाई सामने वाला बंदा बच जाता है। मतलब भाई कुल मिला के बात ये है कि अगर भाई आपके पास कम एफपीएस है तब भाई आपका बुलेट धीरे ट्रेवल करेगा और भाई साहब आपको लगेगा कि भाई मैंने तो फायर कर दिया लेकिन भाई बुलेट जाके बंदे को कनेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो बुलेट स्प्रेड का भाई एक रीजन एफपीएस भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका सलूशन तो मेरे पास है नहीं आपका एफपीएस का, मैं तो इसमें मैं भाई कुछ कर नहीं सकता। अब भाई साहब हमारा जो रीजन नंबर 3 है वो है भाई क्रॉसियर स्टेबिलिटी। अब भाई ये चीज क्यों है मैं भाई आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। अब यहां पे इसको भाई आप लोगों को 170 पे सेट कर देना है। अब 170 जो स्पीड है ये तो भाई आप लोगों को पता ही है कि बंदे का जो जिगल है उसका एकदम भाई बराबर स्पीड होता है। अब इस चीज को भाई आप लोगों को सबसे पहले 170 पे सेट कर देना है, ठीक है, आप भाई खुद आके इस चीज को चेक कर सकते हो। अब टारगेट का जिगल और बंदे का जिगल भाई सेम है, ठीक है। अब देखो काफी सारे बंदे भाई क्या करते हैं कुछ इस तरीके से क्रॉसियर को बहुत तेजी से लेफ्ट राइट करते रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉसियर भाई टारगेट के ऊपर जा रहा है, ठीक है, कभी कभार टारगेट के ऊपर जा रहा है लेकिन भाई बुलेट कनेक्ट नहीं हो रहा और हेड भी कनेक्ट नहीं हो रहा। एक बार और देखो काफी सारे बंदे भाई फटाफट से कुछ इस तरीके से जिगल देते हैं और क्रॉसियर को भाई लेफ्ट राइट करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन भाई इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन भाई साहब वही पे अगर भाई आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लो जिगल मारते हो या फिर भाई वन साइड जिगल मारते हो और क्रॉसियर को भाई एकदम शांत मतलब धीरे धीरे भाई ट्रेवल करवाते हो, ठीक है, तब भाई आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। तो इस पॉइंट से जो भाई आपका पहला रीजन था जिगल, ठीक है, उसका भी आपको सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इसलिए भाई आप लोगों को हमेशा
स्लो जिगल देने की ट्राई करना है, ठीक है। और वन साइड जिगल भाई आप ट्राई कर सकते हो भाई, वन साइड जिगल बहुत ही मस्त है, ठीक है। और दूसरी चीज की भाई आप लोगों को क्रॉस ईयर को स्टेबल रखना है। और काफी सारे लोग भाई स्क्रीन शेक मारने की ट्राई करता है, ठीक है। तो भाई स्क्रीन शेक ट्राई मत करो, एकदम फालतू चीज होता है भाई। अगर भाई आपके पास एक अच्छा डिवाइस है, हाई एंड डिवाइस है, ठीक है, तब भाई आप ट्राई कर सकते हो। अगर भाई आपके पास लो एंड डिवाइस है भाई स्क्रीन शेक मत करो। हमेशा भाई आप लोगों को क्रॉस ईयर पे फोकस करना है, ठीक है। जिगल भाई आप लोगों को धीरे देना है और ट्राई करना है कि आपका भाई मतलब जो क्रॉस ईयर है वो भाई धीरे धीरे ट्रेवल करे, ठीक है, ज्यादा तेजी ना हो। तो बस भाई यही चीज आप लोगों को बताना था और उम्मीद है कि भाई वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, और आपको सोल्यूशन भी मिल गया होगा। और कैसी लगी भाई लोग आप लोगों को वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं भाई किसी इंटरेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।